शदीद सर्दी से लाहौर का दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड तक गिर गया है और शुमाली इलाका जात में सूरत हाल यह है कि बर्फबारी से लाहौर में कोर पड़ चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 2 रोज तक लाहौर और मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल संगीन से संगीन तर होगी। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है 20 दिसंबर से लाहौर में बादल दाखिल हो जाएंगे और 23 दिसंबर से बारिश का भी इम्कान है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। सादिया बताएगा क्या कहना है मजीद महकमा मौसमियात का। जी हाँ, आज लाहौर में सुबह के औकात में रात में धुंध छाई रही और दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री तक गया। और वैसे भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 20 दिसंबर से कुछ बादल लाहौर में एंटर होंगे जो कि खुनकी का बायस बनेंगे और दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी हद तक कम होगा। लाहौर में धुंध की सूरत हाल क्या रहेगी और स्मोक के इशू पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहबजाद खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि धुंध कब तक बरकरार रहेगी और क्या बारिशों के इम्कान हैं। ये बता दें कि धुंध कब तक लाहौर में रहेगी। लाहौर में अभी धुंध तो है, लाहौर बल्कि जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो सुबह जो है इंडस्ट्रियल की जो मिशन है उनकी वजह से स्मोक का भी होता है फिनामिना और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम होती है, नमी का तनासब। लेकिन खुले एरियाज़ जो है हमारे, यानी आप कह लें गुजरांवाला डिवीज़न, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, सरगोधा, इन इलाकों में सुबह के वक्त अच्छी खासी धुंध होती है। विजिबिलिटी जो होती है वो तकरीबन 20 मीटर तक भी रिकॉर्ड की गई है और अभी तक भी ये तकरीबन 10-11 बजे तक ये सिलसिला रहता है। उसके बाद थोड़ा सा कम होकर फिर वो धूप निकलती है और इसके बाद रात को फिर ये सिलसिला बन जाता है धुंध का। तो धुंध तकरीबन जो है रात के तकरीबन मिड नाइट के बाद शुरू होती है और सुबह तक उसका दौरानिया जो है वो ज़्यादा भी हो चुका होता है और उस एरिया भी उसने काफ़ी कवर कर लिया होता है। तो ये अगले 1-2 दिन तक जिस तरह टेम्परेचर लग रहे हैं कि कम हो रहे हैं, यानी दर्जा हरारत आज 5 डिग्री लाहौर में था और कुछ इलाकों में मनफी में भी थे, यानी हमारे शुमाली इलाका जात में, तो ये थोड़ा सा जो है आगे बादल भी आ रहे हैं उन दिनों में कम होगी, लेकिन जब मतलब आगे साफ होगा तो फिर थोड़ा सा धुंध जो है वो कम होगी, लेकिन कोहरा पड़ने के इम्कान अब जो हैं वो उस तरफ हम जा रहे हैं। यानी टेम्परेचर जो है जब ये 4 या 5 से कम होना शुरू हो जाएगा तो कुछ इलाकों में कोहरा भी पड़ना शुरू हो जाएगा। लाहौर में भी क्या चांसेस हैं कोहरा पड़ने के? लाहौर के आसपास के इलाकों में, खुला इलाका जो है वहाँ पे भी कोहरा पड़ने के चांसेस हैं सीजन के बाद। बहुत शुक्रिया सादिया खान।